Hey everyone, this is our host and friend Vaibhav Dave, and with me is my friend. Hello everyone, this is Ashish Shetty, and we both are from Filmy Fanatic. Today is the first clash of 2017. Yes, Raees and Kaabil are in the theater, and we both are at Mukta A2 Cinemas, where movies come to life. For the first day, first show. So today's video will be in two parts. The first part will be on movie Raees, and the second part will be on movie Kaabil. So let's start with the review of Raees, starring Shah Rukh as Raees, Nawazuddin Siddiqui as Superintendent Majumdar. Also, we have actors like Mahira Khan, Mohammad Zishan Ayub and Shiba Chadda. The movie is being directed by Rahul Dholakia. Music is being composed by Ram Sampat, and the production house for Raees are Red Chillies Entertainment and Excel Entertainment. Bhai, finally movie release hoi gayi. Haan, aakhirkar 1.5 saal laga raha isko theater mein aane. Ek kaam kar rahe hain, aaj humne pehle public se hi poochte hain ki unhe Raees kaisi lagi. Chalo, jaake poochte hain. Chalo. आपको रईस कैसी लगी? अच्छी मूवी थी बहुत. शाहरुख खान का पहले से फ़ैन हूँ तो ऑब्वियसली कैसी मूवी अच्छी लगनी है. और नवाजुद्दीन की एक्टिंग? उनकी एक्टिंग की तो कोई बात ही नहीं है, मतलब कोई एक्टर उनके ऊपर है ही नहीं. तो जैसा आपने एक्सपेक्ट किया था वैसा मूवी अप टू मार्क गया है? अप टू मार्क से भी एक नया बेंच मार्क सेट कर दिया है. बहुत ही अच्छा मूवी है, जितना सोचा था उससे कहीं ज़्यादा अच्छा है. और सर, मुक्ता A2 के बारे में अगर आपका कुछ फीडबैक, आपको कैसा लगा मुक्ता A2 में आके? अच्छा है थिएटर. बहुत असम मूवी. और आपको कैसी लगी रही? अच्छी लगी, बहुत अच्छी थी. एक्सपेक्ट किया था मतलब कि सर, मतलब शाहरुख सर जो है वो मतलब सर्वाइव कर जाएगा एंड तक, लेकिन उनको मतलब ऑब्वियसली ऐसा के फैंस के लिए एक थोड़ा सा पार्ट था. बहुत ज़्यादा बड़ा फैन उनका तो. ओके. और सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो इस मूवी में एक ऐसा रोल प्ले करे जो कितना एक्सपेक्ट नहीं किया था, उनके बारे में क्या? उनका रोल मतलब जब भी कोई भी रोल अगर करते हैं जैसे, वो तो हर चीज़ उनका परफेक्ट ही रहता है, नेचुरल एक्टिंग करती हूँ. तो अभी भी उनका रोल अच्छा मस्त लगा, बहुत मज़ा आया उनको देख के, और जैसे एक्सपेक्ट करते उन्होंने वैसे ही किया, मतलब अच्छा ही था उनका. और सर, मुक्ता A2 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, आपको कैसा लगा? थिएटर इज़ वेरी गुड, मतलब एज़ कम्पेयर टू PVR तो बहुत बड़ा है, स्पेशियस है और मज़ा आता है. हाँ, एक्सपीरियंस अच्छा रहा उनका. फर्स्ट टाइम आया हूँ मैं यहाँ पर मुक्ता में, तो बहुत अच्छा रहा. तो आपको कैसा लगा रही मूवी? तो बहुत बेटर थी, बट एक्चुअली थोड़ा सा अफसोस ये हो गया कि एंडिंग में मरना नहीं चाहता शाहरुख खान. शाहरुख फैंस है तो वही. और सर, नवाजुद्दीन सिद्दीकी का इस मूवी में कैसा लगा आपको? ही वाज माइंड ब्लोइंग, ही नेल्ड इट सीरियसली. एंड सर, मुक्ता A2 के बारे में आपका क्या कहना है, मतलब आपको कैसा लगा? या मींस वी एक्सपेक्टेड टू गो इन PVR, बट वी आर नॉट रिग्रेटिंग कमिंग टू मुक्ता. इट्स मींस अ लॉट टू अस. नो, इट्स मच बेटर. बहुत बड़ा फैन हूं, खास करके उसके नेगेटिव रोल्स तो सुपर्ब होते हैं. नवाज रॉक्स, सनी लियोनी का आइटम सॉन्ग तो सुपर्ब ही था. और पिक्चर भी अच्छी है, थोड़ी सी स्लो है. और सर, आप मुक्ता A2 के बारे में क्या बोलना चाहेंगे? वेल, पनवेल में मुक्ता सिनेमा खुला है, दैट्स रियली नाइस. यू नो, PVR से काफ़ी रेट्स कम हैं इसके, रिजनेबल हैं और उतने ही सेम टक्कर का है. या सेम टक्कर का. दिस वॉज द पब्लिक रिव्यू. नाउ लेट्स टॉक अबाउट आर रिव्यू ऑन Raees. द मूवी गोज वेरी वेल इफ वी टॉक अबाउट द बैकग्राउंड स्कोर. द म्यूजिक गिवन बाय राम संपत इज जस्ट ऑसम. Mohammad Zishan Ayub has played a very impressive role in the movie and he has justified it. This movie will specially give goosebumps to all SRK fans, not just for just the acting purpose but also for the great dialogue delivery. Nawazuddin Siddiqui has played a badass cop in the movie. So far, this role is one of the best roles played by Nawazuddin Siddiqui. USP of this movie is Lela Lela, featuring none other than the gorgeous and beautiful Sunny Leone. So just go and watch Raees if you are a diehard SRK lover, and if you want to see the brilliant acting by Nawazuddin Siddiqui, if possible, go visit at Mukta A2 nearby you. Filmy Fanatic rates Raees 4 out of 5. So if you liked our video, give us a thumbs up, don't forget to share it, and just don't forget to subscribe our channel. That is Filmy Fanatic. And please do wait for the second part of review, that is Kaabil. For now, we both are signing off.